जिसे चाहा उसका साथ ना मिला तो क्या उसे भुलाने के लिए शराब को साथी बना लिया? वो साथी जो मरते दम तक उनके साथ रहा। संजीव कुमार की उम्र ही क्या थी तब, महज 47 साल। वो जानते थे कि उनके परिवार में ज्यादा उम्र कोई लिखवा कर नहीं आया, इसलिए खुद ही अपनी नियति अपनी उम्र तय कर ली थी। लेकिन किस गम ने संजीव कुमार को इतना लाचार बना दिया था? क्या नाकाम मोहब्बत का गम उनके ऊपर हावी होने लगा था? संजीव कुमार का फसाना भी देवदास जैसा ही है। साल 1975, फिल्म शोले, वो क्लासिकल फिल्म जिसने कई मुकाम हासिल किए। जितनी चर्चा दुनिया में इस फिल्म की, उतनी ही खबरें और कहानियां पर्दे के पीछे इस फिल्म से जुड़ी। किससे प्यार मोहब्बत के, दिल टूटने के और जुड़ने के भी। इस फिल्म के शूटिंग से सुर्खियों में आया एक ऐसा किस्सा जो ना तो कभी किसी ने देखा था और ना किसी ने सुना था। लेखक सुमंत कुमार अपनी किताब एन एक्टर्स एक्टर द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार में लिखते हैं, दरअसल संजीव कुमार जो ठाकुर का किरदार निभा रहे थे, धर्मेंद्र वीरू का और बसंती का किरदार निभा रही थी हेमा मालिनी। फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक वीरू और बसंती की जोड़ी थी, लेकिन असलियत में संजीव कुमार हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। लेकिन ये हुआ कब? संजीव कुमार को इतनी मोहब्बत हुई कैसे और क्यों वो हेमा मालिनी के इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने अपने दिल की बात कहने के लिए एक दोस्त का सहारा लिया? साल 1971, जब संजीव कुमार और हेमा मालिनी की पहली फिल्म पराया धन आई और उसके बाद सीता और गीता, तब संजीव कुमार की उम्र लगभग 33-34 साल थी। सुमंत कुमार अपनी किताब एन एक्टर्स एक्टर द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार में लिखते हैं, वो इंडस्ट्री के एलिजिबल बैचलर थे, उनके पीछे कई लड़कियां दीवानी थीं और वो एक के पीछे दीवाने हुए फिरने लगे, लेकिन हेमा मालिनी तो किसी और के सपनों की ड्रीम गर्ल थी। धर्मेंद्र भले ही शादीशुदा थे, लेकिन इन दोनों के रोमांस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ा था तो वो थे संजीव कुमार, क्योंकि वो हेमा मालिनी को दिल से चाहते थे और उनके साथ शादी करना चाहते थे। ऐसे में जब फिल्म शोले की शूटिंग शुरू हुई तो संजीव कुमार ने मौका देखकर हेमा मालिनी से अपने दिल की बात कह डाली, लेकिन हेमा ने संजीव कुमार के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन संजीव कुमार लगातार कोशिश करते रहे और उन्होंने अपने करीबी दोस्त जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा। वो चाहते थे कि जितेंद्र उनके दिल की बात बता सकें, लेकिन हेमा लगातार संजीव कुमार के प्यार को ठुकराती रहीं और जितेंद्र को साफ शब्दों में बात कह दी, मैं उन्हें पसंद करती हूं पर प्यार नहीं। अपनी किताब में सुमंत कुमार लिखते हैं, अमूमन खुश रहने वाले संजीव कुमार की खुशियां जैसे किसी ने छीन ली। अपने प्यार से हताश संजीव कुमार ने फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को साफ कहा था कि वो हेमा मालिनी के साथ उनका कोई सीन ना रखें और अगर सीन है तो शूटिंग एक साथ ना हो। संजीव कुमार अपने गम में डूबे थे कि कुछ और खबरों ने जोर पकड़ना शुरू किया। उन दिनों ऐसी खबर आई कि अभिनेता जितेंद्र भी हेमा मालिनी को चाहने लगे थे और उन्होंने हेमा से अपने दिल की बात भी कही थी, लेकिन हेमा ने चुना माचो मैन धर्मेंद्र को। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाले संजीव कुमार जब बॉलीवुड में दस्तक देने आए तो अपने शुरुआती दौर में ही उन्होंने पहला प्यार अभिनेत्री नूतन से कर डाला। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड में छपी खबर के मुताबिक संजीव कुमार को इससे पहले प्यार का पहला तोहफा बहुत ही कड़वा मिला। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार ने नूतन से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन नूतन को जब इस बात की खबर लगी कि उनके और संजीव कुमार के अफेयर की खबरों के पीछे संजीव कुमार का हाथ है, तो नूतन ने उनको एक थप्पड़ लगाया और वहां से जाने को कहा। संजीव कुमार की ये बदकिस्मती थी कि कई लड़कियां उनसे मोहब्बत करती पर वो उनसे प्यार न कर सके, लेकिन जिनसे संजीव कुमार को प्यार हुआ वो उनका प्यार ठुकरा कर चली गई। वो जब भी किसी लड़की से जुड़ते तो उनके करीबी दोस्त उनसे कहते, अरे यार ये तो तेरे पैसे के पीछे है। ये बातें उनके दिमाग में घूमती रहती और मैं कहती कि हरी आप पागल हो, क्या आप अपना फैसला खुद नहीं ले सकते? ऐसा करोगे तो हमेशा ही कुंवारे रह जाओगे। ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार की प्यार की तलाश सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक बार उन्हें एक शादीशुदा औरत से बेइंतहा प्यार हुआ। वो औरत कौन थी उसका खुलासा तो कभी नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर कई सवाल उठने लगे थे। संजीव कुमार के दिल को चैन आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रहा था और उनकी तलाश को मंजिल आखिर क्यों नहीं मिल पा रही थी?
एक बार तो वो एक शादीशुदा औरत से दीवानगी की हद तक प्यार करने लगे। हरी और उस औरत को बहुत झिझक हुई। आप प्यार की गहराई को वक्त के साथ समझते हैं। उन दोनों के विचार मेल खाते थे, दोनों की उम्र मेल खाती थी, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। लेकिन एक वक्त तो वो भी था जब अंजू महेंद्रू और संजीव कुमार के नजदीकियों के चर्चे भी होने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं खबरों की वजह से अंजू के बॉयफ्रेंड रहे राजेश खन्ना ने संजीव कुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। है ना राज की बात। वो फिल्म निर्माता रवि टंडन और वीना की शादी का समारोह था जब अंजू बॉलीवुड के हीरो संजीव कुमार से पहली बार मिली। तब उन्होंने संजीव कुमार की फिल्म निशा ही देखी थी। वो उनकी इमेज से काफी प्रभावित हुई। कहा जाता है कि उस पार्टी के दौरान संजीव कुमार लगातार अंजू के टेबल की तरफ ही देखते रहे और मौका देखकर अंजू संजीव कुमार के पास ऑटोग्राफ लेने आई। मैंने अपनी टेबल से एक नैपकिन पेपर लिया और उनके पास जाकर ऑटोग्राफ के लिए कहा। फिर उन्होंने नैपकिन पर कुछ लिखना शुरू किया और फिर लिखते ही गए। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, नॉट अ लव लेटर, जस्ट एन ऑटोग्राफ। ये बात सुनकर हरी हंसने लगे। उस वक्त अंजू की उम्र महज 17 साल थी। इस वाकयात के बाद दोनों का मेल जुल बढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि अंजू महेंद्रू और संजीव कुमार एक दूसरे के काफी करीब थे और इन दोनों की करीबी तब अंजू के बॉयफ्रेंड रहे राजेश खन्ना को नागवार गुजरी। वैसे कई साल गुजर जाने के बाद ऐसी खबरें आई कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जिसमें संजीव कुमार और राजेश खन्ना एक साथ काम कर रहे थे, फिल्म के एक सीन में राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अंजू महेंद्रू खुद बयां कर चुकी है। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बीती बातों को भूला नहीं था, इसलिए जब कई सवालों बाद उन दोनों ने एक साथ काम किया तो सीन में उन्होंने हरी को बहुत जोर का थप्पड़ मारा। हरी और उनका कभी अच्छा तालमेल नहीं रहा। संजीव कुमार का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, लेकिन उनका दिल भटकता रहा अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश में। सुमंत कुमार अपनी किताब एन एक्टर्स एक्टर द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार में लिखते हैं, हेमा मालिनी के इनकार के बाद संजीव कुमार को एक और साथ मिला, एक सच्चा साथ, और उस अदाकारा ने संजीव कुमार को उस वक्त अपना सहारा दिया जब वो सबसे निराशा भरे दौर से गुजर रहे थे। सुलक्षणा पंडित, अदाकारा गायिका सुलक्षणा पंडित। संजीव कुमार को अपना दिल तब दे बैठी जब वो फिल्म उलझन की शूटिंग कर रहे थे। वो साल 1975 था। ये बड़ी अजीब उलझन थी संजीव कुमार के लिए भी और सुलक्षणा के लिए भी। संजीव जहां अपने प्यार को भुला नहीं पा रहे थे, तो सुलक्षणा ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी जो किसी और के सपनों में खोया था। संजीव कुमार को सुलक्षणा के शक्ल में एक अच्छा दोस्त मिला जिसके पास जाकर वो अपने दिल की सारी बातें कह सकते थे। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल था। उन दिनों वो एक दीवानी की तरह हेमा जी से प्यार करते थे। ये बहुत स्वाभाविक था। वे अपनी हर तकलीफ के लिए मेरे पास आते, मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैं अपने आप को समझाती और कहती ये एक फेज है, चला जाएगा। वो एक बार उससे बाहर निकलेगा तो मैं उन्हें बताऊंगी कि उनसे मैं कितना प्यार करती हूँ, पर मुझे कभी ये मौका नहीं मिला। मेरे को स्टार मुझे कहते, सुलक्षणा तुम ही हो जो इस आदमी को चाहिए, तुम इनकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन किसकी जिंदगी बदली, उसकी जिसने जिंदगी को ही किनारे कर दिया था, या उसकी जिसने अपनी मोहब्बत को ही अपनी जिंदगी बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने लगी थी। मैंने कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया जितना कि मैंने उन्हें किया। जिस वक्त मैं उनके साथ थी तो उनके डॉक्टर्स मुझे आकर कहते, उस आदमी की इतनी परवाह मत करो, मैंने उसे सिर्फ 2 साल दिए हैं। अगर संजीव कुमार सुलक्षणा की मोहब्बत को अपना लेते तो शायद जिंदगी अलग ही करवट लेती, पर संजीव कुमार को अकेले ही रहना था। उनकी किस्मत में शायद शादी लिखी ही नहीं थी। एक बार हार्ट अटैक आने के बावजूद उन्होंने शराब का साथ नहीं छोड़ा और सुलक्षणा ने उनका। 6 नवंबर 1985 जब उन्हें एक मेजर हार्ट अटैक ने हमेशा के लिए सुला दिया और साथ ही दफन हो गई उनकी मोहब्बतें, पर आज भी जिंदा है उनकी अधूरी मोहब्बत की दास्तां। संजीव कुमार की ये दास्तां आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प वाक्यों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।